नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं। संगरूर प्रशासन की तरफ से एक मैराथन का आयोजन किया गया, जो संगरूर के युद्ध स्टेडियम के माध्यम से शहर से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा भी लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संगरूर के डिप्टी कमिश्नर और साथ ही आपको बता दें कि जितेंद्र जोरेवाल ने शिरकत की और SSP सरताज सिंह चौहल ने भी इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि युवाओं को दूर रखने और प्रेरित करने के लिए हमने इसका आयोजन किया है। और सीएम भगवंत मान ने भी निर्देशन में आपको बता दें कि प्रशासन समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहे जिसमें युवाओं को खेल के लिए प्रेरित किया जाता है। जी, अज जिला प्रशासन संगरूर के पुलिस प्रशासन संगरूर वालों अज एक वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज किया गया सीगा। इहदे विच असी नशे नूं जड़ तो खत्म करन वास्ते ते नशे दे खिलाफ मुहिम जिहड़ी है संगरूर दे विच असी वो जिहड़े अपने पुराने उपराले चल रहे सीगे उहदी लगातारता विच अज ये वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज की है। अज पुलिस विभाग संगरूर ते जिला प्रशासन संगरूर वालों एक ए वड्डा एंटी ड्रग ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਕੋਥੋਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੀਲੇ ਰੇਸ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇਅ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ, समुचे प्रशासन ने जो नशे के खिलाफ अच्छ मुहिम क्ढ़ी है वो हज़ार बच्चों ने स्कूलों ने बच्चों ने पार्टीसीपेट किया और बच्चों जागृत किया गया कि पंजाब जो नशा उन्होंने जड़ों किमें खत्म करना है। ये बहुत व्डा योग योगदान साढ़े संगरूर प्रशासन का। सो अज बहुत बच्चे और उन्होंने टीचर साहबान जो इतों अच्छ देख के गए हैं वह भी जाके पिंड अपने स्कूलों च, मैं उन्होंने बेनती करना कि अपने स्कूलों च भी यहोजा सैमीनार करके बच नशे के खिलाफ आप मुहिम विढ़ीए ता कि जरा पंजाब का नौजवान नशिया के गरकता जा रहा है लंबे समय तो उन्होंने तो साढ़े बच्चों राहत मिले। की कहना चाहोगे अज जो रिले दौड़ हुई उसकी टीम फस्ट आई 4x400 मीटर चाहिए साड़ी रिले फस्ट आई है जी। सानू वधिया लगे पुलिस लाइन तो साड़ी टीम थी वो करके असी सू भाई उन्होंने सन्मान किया तो बुलाया थी उतो आए थे भाई प्रशासन के उपराले किस तरह देखते हैं वधिया लगती जी। नशे के प्रति जागरूक रैली भी निकली अज हाँ जी, मतलब भी अपन दसना चाहते जी भी मतलब गेमों वाल वधना चाहिए नशे तो भी छुटकारा पाने वास्ते जी। डिप्टी कमिश्नर साहब SSP साहब साढ़े को आते हैं तो अभी उस सैरेमनी है जी। बटाला के नजदीक गांव झंडा में दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया। आपको बता दें कि दोनों पक्षों की झड़प में हत्यारोपी की मौत हो गई और इस झगड़े का CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक युवक ने पिस्टल से फायरिंग भी की और आपको बता दें कि जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिला तरन तारण के थाना खालरा अंतर्गत भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित गांव डल के खेतों में एक पाकिस्तानी ड्रोन गिरता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि जिसकी सूचना तुरंत एक बच्चे ने पुलिस को दी और मौके पर पंजाब पुलिस और BSF ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही अन्य नशीले पदार्थों की भी तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें कि अंधेरा होने के कारण कुछ और बरामद नहीं हो पाया। इस मौके पर पंजाब पुलिस ने कहा कि इस बच्चे को सरकार की ओर से उचित सम्मान दिया जाएगा। और साथ ही आपको बताते चले कि पाकिस्तान से भारत में लगातार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ भेजे जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बनता जा रहा है। कि जो पाकिस्तान है लगातार कोशिश कर रहा है कि वो ड्रोन के माध्यम से जो नशीली पदार्थ हैं वो बॉर्डर की ओर और या पंजाब की ओर भेज सके,
और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम ऑलमोस्ट डेली रिकवरी कर रहे हैं। आज भी इसमें हमें सफलता हासिल हुई है कि जब डल गांव के खेतों में एक छोटा लड़का था राजेंद्र सिंह, जिसको छोटा बच्चा था, उसने कोई लाइट जगती हुई दिखाई दी, उसने अपने परिजनों को बताया। इसकी इंफॉर्मेशन जो पंजाब पुलिस और बीएसएफ को मिली, बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने जो ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन किया, इसमें एक जो ड्रोन है डीजीआई मैट्रिक्स मेड इन चाइना और कोई अवैध चीज है जो उसको बरामद किया जा सके। अमृतसर में चल रहे 17वें पाइटेक्स मेले में भाग लेने के लिए अनमोल गगन पहुंची। आपको बता दें कि जहां पर पाइटेक्स मेले के आयोजकों ने उनके आगमन पर जोरदार उनका स्वागत किया और रिबन काटकर इसकी शुरुआत की। आपको बता दें कि इस अवसर पर बोलते हुए पंजाब के पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान ने कहा कि देश और विदेश में व्यापार संबंधों को मजबूत करने वाले लोग इस मेले में भाग लेने आए हुए हैं, जिसमें उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया है और साथ ही एक ही छत के नीचे कई प्रकार की शर्ट खरीदने का भी प्रयास किया गया। और आपको बता दें कि पिछले 17 सालों में इस मेले को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा और पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई औद्योगिक नीति के कारण पंजाब में व्यापारी वर्ग बहुत ही समृद्ध है, क्योंकि पिछली सरकार में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था और उद्योग को पंजाब से पलायन कर गया, लेकिन अब हमारी सरकार के तहत पंजाब में व्यापारी वर्ग खुश है। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਲਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਟਾਲਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। अमृतसर में हरजिंदर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भाई बलवंत सिंह रजवाना के मामले के बाद में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि एसजीपीसी ने पहले जेल में बंद सिंहों की रिहाई और भाई बलवंत सिंह रजवाना की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। ते भाई साहब भाई बलवंत सिंह जी रजवाना उन्होंने दे फांसी की सजा उम्र कैद में बदल लई एक संघर्ष जिहड़ा वो आरंभिया सीगा, जिहदे विच दस्तखती मुहिम तहत लगभग 26 लाख लोगों ने अपनी स्वै इच्छा के नाल फार्मा नू भरिया ने नाल अपने टेलीफोन नंबर भी लिखे। उहदे बावजूद असीं पहलां गवर्नर पंजाब नू भी मिले सी जाके, उहनां नू असीं पैन ड्राइव दे विच कित्थों कित्थों किन्नी किन्नी गिणती उह सारी उहनां दे सपुरद करके आए सी, फार्म भी लै के गए सी ते उह फार्म उन्हें क्या भी सानू पैन ड्राइव के रूप दे विच दे दिओ, वो साडे कोल चंडीगढ़ सारे सुरक्षित पाए 26 लाख पार। संगरूर के मुनक में पंचायत चुनाव को लेकर शहर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए पूर्व वित्त मंत्री और यूनाइटेड अकाली दल के नेता परमिंदर सिंह ढिंडसा ने भी कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत से ये अनुमान भी लग गया है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। केंद्र पर उन्होंने कहा कि लोग मोदी की नीतियों से खुश हैं, विपक्षी दल ने जनता के हित की बात करने के लिए बजाय मोदी को हराने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव यूनाइटेड अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन के साथ सिंबल पर लड़ा जाना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के पैसे से चुनाव जीतना चाहते हैं।
अगर यही पैसा पंजाब की जनता पर लगाया जाता है तो लोगों का भला होता, और इसी पैसे को लगाने का नतीजा ये हुआ कि 1% से भी कम वोट मिले हैं। देखो एक गल बड़ी स्पष्ट है कि लोकां दा विश्वास बीजेपी लीडरशिप ते प्रधानमंत्री मोदी दी लीडरशिप च है, ते उन्हां दी जो नीतियां ने प्रोग्राम ने उन्हां दा लोकां ने समर्थन करके वोटां पाईआं ने, ते बड़ी वड्डी जित होई है, ते आउण वाली देश दी राजनीति भी इन्हां चोणां ने तय कीती है, क्योंकि 6 महीने बाद पार्लियामेंट दी चोणां आउण वाली ने, ते लोकां नूं हुण अंदाजा हो गया वी दुबारे जिहड़ी बीजेपी सरकार है जिहड़ी केंद्र दे विच वी दुबारे रिपीट करन वाली है। पंजाब में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, और आपको बता दें कि फिरोजपुर रेलवे डिवीजन ने एक बार बड़ा फैसला लिया है। सर्दी के मौसम में पड़ रहे घने कोहरे के चलते फिरोजपुर रेलवे ने करीब 22 ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जिससे मुसाफिरों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये ट्रेनें फरवरी के आखिर तक बंद रहेंगी और उसके बाद दोबारा चलाई जाएंगी। अभी तक जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अनाउंस किया गया है उसमें 22 ट्रेनों को रद्द किया गया है, और ट्रेनों को रद्द करते टाइम भी हम लोगों ने पूरी तरह ध्यान रखा है कि जो शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेनें हैं जहां के लिए अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है उन्हीं को सिर्फ रद्द किया जाए। इसके अलावा 4 ट्रेनों का हमने फ्रीक्वेंसी रिड्यूस किया है, यानी कि जो ट्रेनें हफ्ते में 7 दिन चलती थी उनको रिड्यूस करके 3 दिन या 4 दिन किया गया, ताकि एटलीस्ट वीकली उनकी सर्विस जो है वो अवेलेबल रहे और जो उन डेस्टिनेशन तक यात्री जाना चाहते हैं उनको एक माध्यम अवेलेबल रहे। इसके अलावा 2 ट्रेनों को आंशिक रद्द किया गया है, जिसमें जलंधर सिटी से दिल्ली जाने वाली जो इंटरसिटी सर्विस थी वो अब अम्बाला से स्टार्ट होगी, जलंधर और अम्बाला के बीच में वो आंशिक रूप से रद्द रहेगी। गुरदासपुर में पिछले करीब 1 साल से पुल टूटने के कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि इस पुल से गुजरने वाले लोगों को भी भारी परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि गुरदासपुर के मेहरचंद रोड पर बनी हुई पुल काफी समय से टूटती जा रही है, लेकिन प्रशासन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। और साथ ही अगर बात की जाए लोगों की तो उनका कहना है कि इस पुल के ऊपर आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोगों ने प्रशासन से भी अपील की है कि इस पुल को जल्द से जल्द सही किया जाए ताकि यहां पर कोई भी हादसा ना हो सके। समस्या सर यही है कि नाले जो है ना अंदरों अंदरों खाली हो गए हैं, ऊपर ऊपर है, कदों डिग जाना है कोई हल नहीं। सर परसों भी 2-3 एक्सीडेंट हो गए इधर, उसको ऐसे ही 3-4 लड़के मिल के मोटरसाइकिल तो उसको साथ में खींच कर खाच के निकाले, वो तो पता नहीं लगा वो बेचारे डिग पे आई। ये कम से कम महीना दिन हो गए सर। कॉलोनी वाले को सोच रहे थे कि कमेटी घर जाएंगे, उसके बाद इन लोगों को 10-12 बंदे इकट्ठा करके जाएंगे, उसके बाद इसका जो है ना हल करवा सोचते हैं बोल रहे थे। इसके बारे कहने जी जड़ा भी आता जिदा नेरा हो कोई भी देख सकता। हाँ जी तो जे कहने शराब पीती है फिर तो बेचारा बजेगा ही नहीं है ना। इस करके महकमे को बेनती करते हैं भी छेती छेती बना दी जाए, बड़ी आवाजाई है जी, शॉर्टकट पैंता तो सारे कोशिश करते हैं कि तेल बजे थोड़े पैंडा हो छेती चल जी घर। हाँ बच्चे भी जाते हैं तो छेती घर पहुँचने की जगह तो जे इतने कोई डिग पाया तो वो चला गया। तो आखो ना कि माड़ा हाल आ, ये पुली वेखो इधर जरा कैमरा मारियो, पुली वेखो कि पई आ, इतने बच्चे गड्डिया आदि ने बच्चों दियाँ इस कलोनी तो एक दिन गड्डी डिग चली ही। ये प्रशासन को ख्याल देना चाहिए वा, ये बहुत ही माड़ा हाल आ प्रशासन ने। तो इतने रोज एक दिन गड्डी जा एक दिन एक्टवा ही वो बेटी नू लै के धुंद च आई है लेडीज तो सीधी बेच गई, वो अं आप कलोनी वाले फड़ के इतों चुकी आ। तो बच्चों वास्ते गड्डिया भी आदि ने, फिर आ लोग लंघते आ
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। जालंधर में CIA स्टाफ की पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन बरामद किया। आपको बता दें कि पुलिस ने तस्कर को काबू कर लिया है और साथ ही इसके पिता पहले तस्करी का काम करता था और उसकी मौत के बाद में बेटे ने मां की ओर से भाई के साथ में मिलकर हेरोइन तस्करी का धंधा करना शुरू कर दिया। गिरफ्तारी के बाद में आरोपी से 2 किलो हेरोइन बरामद की गई है। एक दोषी पंकज कुमार नाम का जो दोषी है उसको गिरफ्तार किया गया जिस को एक XUV गड्डी जी है 7868 नंबर उसका है वो रिकवर की गई है। एंड मुढ़ली पुछगिछ के एक गल सामने आई है कि काफ़ी समय तो जोड़ा है पंकज एंड ब्रदर की मदर जोड़े है सारे इस NDPS जोड़े है धंधे के इनवॉल्व रह गए थे। मदर जी है ब्रदर हूँ भी जोड़े है इस वक्त भी जेल के ये खुद भी 2 मुकदमे पहला जोड़ा है गिरफ्तार हो चुके पहला स्मॉल क्वांटिटी का काम करता से हमने जोड़ा है इन्हें कमर्शियल क्वांटिटी की जी रिकवर। आपको बता दें कि पूरी खबर जालंधर से है जहां पर 2 किलो हेरोइन बरामद की गई है और CIA को एक बड़ी कामयाबी भी मिली हुई है। आपको बता दें कि हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 2 किलो हेरोइन बरामद की गई है। कपूरथला में नगर निगम कर्मचारियों ने प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना नीतियों और अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन तक हड़ताल का बिगुल बजा दिया है और आपको बता दें कि जिसके चलते कमिश्नर के दफ्तर के बाहर बैठ कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। और साथ ही आपको बता दें कि निगम कर्मियों की इस हड़ताल से शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है और आपको बता दें कि जुलाई महीने में भी कर्मी जो हैं वो अपने मांगों को लेकर हड़ताल पर गए थे और इस संबंध में यूनियन के प्रदेश उप प्रधान गोपाल थापर ने जानकारी देते हुए कहा कि उनकी मुख्य 10 मांगों में आउटसोर्स पर काम कर रहे सफाई सेवक और साथ ही सीवर मैनों को भी पक्का किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी कर्मचारियों को 10 तारीख तक वेतन देना बनाया गया है और साथ ही शहर का कूड़ा फेंकने के लिए जगह का प्रबंध भी किया जाए और साथ ही शहर को साफ सुथरा रखने के लिए सफाई सेवकों को शहर में कूड़ा फेंकने के लिए पॉइंट दिए जाएं। यूनियन नेताओं ने भी कहा कि उनकी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता तब तक कर्मियों की हड़ताल जारी रहेगी। ये धरना जिहड़ा जी अज दूजे दिन च प्रवेश कर गया है क्योंकि असी अज तो 15 दिन पहला 21/11/2023 मंग पत्र दिता सी कि जिन्ना चिर साडियां भर्तियां जां दफ्तरी जिहड़ियां साडियां मंगां आ उह पूरियां नहीं हुंदियां ते असी यह धरना चलावांगे जी। अगली रूपरेखा असी हजे कल भी इत्थे वेखांगे सोमवार तो बाद शहर दे विच घेरे कढ़ांगे जी। पंजाब सरकार की ओर से एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत में पंजाब भर से 8 विद्यार्थी जापान के लिए चुने गए हैं और आपको बता दें कि जिम मानसा जिले के छात्र हरमनदीप कौर जो कि पहले भी 10वीं कक्षा में पंजाब भर में तीसरे नंबर पर आई थी और इसी में पंजाब के लिए चुना गया है और आपको बता दें कि मानसा जिले के पिछड़े हुए क्षेत्र से आने वाली इस छात्र ने मानसा का नाम भी रोशन किया है और आपको बता दें कि स्कूल पहुंचने पर हरमनदीप ने कहा कि उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वे जापान जा सकती हैं। उन्होंने पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को विदेश के लिए लेकर जाना एक बड़ी बात है। मैं
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 10th ਪਾਸ ਕਰਕੇ 10th 'ਚੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਾਪਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਓ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਇਦੂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜੂ ਹਰਮਨਦੀਪ ਜਾਪਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰਮਨਦੀਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਪਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਯੂਥ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਪਾਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਲੱਸ 1 ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ खबर फिरोजपुर से है जहां पर घरेलू कलेश के चलते एक पिता ने जहरीले पदार्थ का सेवन करके आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि बेटे ने नहर में छलांग लगा ली और जिसके बाद में गोताखोर युवक को लगातार नहर में ढूंढ रहे हैं। वहीं रिश्तेदारों और मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि राहुल धवन जिसकी उम्र 30 साल है जिसका पर्स और साथ ही मोटरसाइकिल नहर के पास मिला है। ਸਾਢੇ ਕੁ 10 ਵਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁੱਲ ਗੜੀ ਤੋਂ ਛੋਣੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੋਬਾਇਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।